कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री तीसरा अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है।